नमस्कार आप देख रहे हैं एनडीटीवी एनडीटीवी के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है आज हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव रायसी विधानसभा के लखा हकम में यहां के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाली 25 नवंबर को किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने जाएंगे आपसे बात करना चाहूंगा चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के आपका गाँव बॉर्डर पर बसा हुआ है क्या मुद्दे है यहाँ के इस गाँव के गाँव का से पहले तो सबसे किसानों का मुद्दा है अगर किसान के खेत में पानी है फसल होगी तो गांव में बामासा ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी फसल से और गांव की समस्या किसान खुद हल कर सकते हैं। अगर नहरों में पानी नहीं आएगा फसल का भाव नहीं मिलेगा तो किसान भी मार होगा मेन समस्या ये और गांव में बहुत सारी समस्या है बिजली से वंचित है बॉर्डर एरिया का गांव है सड़कों से वंचित है हर प्रकार की समस्या पे समस्या है इस गांव में पिछले दिनों हमने सुना कि जो नरमा कपास की फसल थी गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ तो इधर इस इलाके में भी इस दिक्कत आई वो बिल्कुल सर तो उसके लिए क्या कुछ मुआवजा वगैरह मिला आपको नहीं सर कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला स्थानीय विधायक से उम्मीद किए थे पांच सात बार गाँव वाले मिले थे हाँ। पर नहीं कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला नहीं सर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब की युवा भी है और किसान भी लग रहे हैं ट्रैक्टर पर बैठे है क्या क्या मुद्दे हैं आपके गांव के क्या क्या समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई सर सर्वप्रथम तो खेती की जो समस्या है पानी की पानी नहीं आएगा तो जमींदार क्या करेगा और देश जो है लगभग कृषि पर आधारित है ये आप भी जानते हैं उसके अलावा स्कूल में कोई काम नहीं हुआ विद्यालय विद्यालय जिसे उसमें कोई विकास हो कोई कमरा बने या फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए वो काम नहीं हुआ उसके अलावा ना कोई सड़कों का काम है विद्यालय आप इधर देख सकते हैं राजीव गांधी पाठशाला जो है वो ये रही सामने ही आप देख लीजिए इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है तो आप बताइए फिर हम किसको वोट दें ठीक है और जो बिजली है पानी है उसके लेके क्या है गांव में हालात सर पानी गांव इतना बड़ा गांव है कम से कम यहां पे 500 से 600 सौ घर है लेकिन यहां पे वाटर वर्क तक नहीं है तो आप बताइए पानी की समस्या ही है पानी की नहर से टैंकर भर के लेके आते हैं आप देख लेना अभी दो चार मिनट में आ जाएगा कोई एक आधा टैंकर तो आप बताइए अभी पानी की समस्या तो चल ही रही है ठीक है इनका कहना है कि बिजली की समस्या है पानी की समस्या है सरकारी स्कूल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ जी बैठे आपसे जानना चाहूंगा कितना कितने समय से आप इस गांव में रह रहे हैं गांव में तो बहुत साल हो गए जी रहते हो तो आपने बहुत सा वक्त देखा है लंबा बहुत सी सरकारें देखी हैं तो इस गांव के लिए आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए आने वाली सरकार से गांव का विकास हुआ गांव का विकास तो कोई नहीं जी।

आ, काम करे आवा, के आवा है? ठीक है। आ, आप बताइए भाई आपका क्या नाम है बंबू तो आप क्या सोचते हैं कि किन मुद्दों के साथ आप पच्चीस तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा सिंचाई पानी और चिक्स चास... ये होनी चाहिए लेकिन इनके प्रति हमारे यहाँ पर कोई जान ही नहीं है नहीं, है। नहीं जी तो आपके विधायक से कभी आपने बात की आपके गाँव के लोगों ने बात की हो बात करते हैं लेकिन उनसे कोई संतुष्ट जवाब ही नहीं मिलता क्या कहते हैं विधायक कहते हैं हमारी सरकार नहीं है जब आती है तो कहते हैं नकली हमें टाइम नहीं है टाइम ही नहीं निकल पाते हमारे लिए तो ठीक है अच्छा राजस्थान सरकार जो अभी है इन्होंने एक महंगाई राह शिविर लगाए थे बहुत सी योजना चलाई थी क्या उनका जो फायदा ग्रामीणों को मिला क्या नहीं जी अभी तक तो हमें कोई फायदा नहीं मिला नहीं जी ठीक है आप बताइए वैसे आपका क्या नाम है और राम है जी तो आप किन बातों को लेके वोट करने जाएंगे वोट तो बस को विकास के पर करते हैं पर हर साल यही वोट तो प्रक्रिया तो यही रहती है हाँ। पर फिर वादे खोखले रहते हैं बस फायदा नहीं मिलता नहीं आते। नेता आते हैं वादा करके चले जाते हैं लेकिन फायदा नहीं मिल पा अच्छा ये बताइए आप भारत पाकिस्तान सीमा के गांव के ऊपर बैठे हैं अन्य गांवों की अपेक्षा यहाँ क्या माहौल है कोई बीएसएफ की तरफ से कोई दिक्कत हो या कोई और दिक्कतें नहीं, नहीं बीएसएफ की तरफ से हमारी कोई दिक्कत नहीं है 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 बिल्कुल ही नहीं ठीक होते तो जो हमारा हैं हैं वो साथ देते बीएसएफ को तो तो है ये थे रायसी नगर विधानसभा के गांव लखा हकम के कुछ लोग इनका कहना है कि जो है इनके एमएलए हैं वो कभी इनके गांव में नहीं आए ना ही कोई विकास कार्य करवाया हालांकि ये स्कूल शिक्षा चिकित्सा और सिंचाई पानी जो इनके प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वोट करने जाएंगे कुलदीप गोयल एनडी टीवी श्रीगंगानगर